हाँ, अभी हमारे पास फॉर एग्जांपल तारीख है 22/11/2023, 1 बज रहे हैं, तो हम 13 लिखते हैं, सही है। पेशेंट की मौत इंस्पेक्शन करते हैं, मौत के इंस्पेक्शन कर दिया, बिल्कुल नॉर्मलाइज है, तो हम क्या लिखते हैं, नॉर्मल लिखते हैं। अगर नॉर्मल नहीं है, ड्राइनेस है, तो हम ड्राई लिखेंगे। पेशेंट की अगर अल्सरेटिव टाइप है, तो हम अल्सर लिखते हैं। पेशेंट की असेसमेंट करते हैं स्ट्रेच से, चेस्ट साउंड देखते हैं, अगर लब डाउन लब डब साउंड हमें सुनाई देते हैं ऑन अस्कल्टेशन, तो हम S1 S2 लिखते हैं। बायलेटरल एंट्री इक्वल है, तो इक्वल लिखते हैं। पेशेंट को नमूनिया है, तो नमूनिया में आपको अस्कल्टेशन से असेसमेंट से हमें क्या मिलेगा, क्रेकल लाइक साउंड, तो हमने क्रेकल लिख दिया। पेशेंट के एब्डोमेन जो है पल्पेट करते हैं, पेशेंट के अगर कंस्टिपेटेड टाइप है, तो हार्ड होगा। पेशेंट जो है ऑन द बेस ऑफ पल्सेशन पल्पेशन करते हैं, उसमें टू टच जो है टेंडरनेस है, तो हम टेंडर लिखेंगे। पेशेंट के बाउल साउंड जो है अस्कल्टेशन, राइट लोअर कॉन्ड्रेक्ट रीजन पे हम या इलियक रीजन पे हम अस्कल्टेशन करते हैं। अगर पेशेंट की बाउल साउंड या पॉप POP पॉप साउंड अगर 35 से ज़्यादा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइपर एक्टिव, जो डायरिया में होता है। अगर 5 से लेस है, लेस देन 5 है, तो हाइपो एक्टिव होगा, जो कंस्टिपेशन में होते हैं। पेशेंट को NG लगा है फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने इन्हें जो गेस्ट्रिक ट्यूब लगाए, इंसर्शन डेट 22 तारीख है, सही है। पेशेंट की वो ड्रेन लगा हुआ है, कौन सा ड्रेन लगाएं, एक्टिविटी सॉरी ग्रेविटी ड्रेन लगाए, तो हम ग्रेविटी लिखते हैं। एक्टिव सक्शन पे है, तो हम एक्टिव सक्शन लिखते हैं। पेशेंट जो है सुप्रा प्यूबिक इसको लगाए, सुप्रा प्यूबिक यानी इस किस चीज में, ब्लेडर में इंसर्शन ऑफ फोलीज के थे, सुप्रा प्यूबिक लिखेंगे, सही है। डेट पर लिखेंगे, सही है, तारीख लिखेंगे। पेशेंट की येलो यूरिन कलरेशन पर देखेंगे, तो कौन सा है, येलो कलरेशन है। पेशेंट की एक्सट्रीमिटीज जो है हम ऐसे देखते हैं, इस तरह देखते हैं, पेशेंट को बोलते हैं नीचे नीचे जोर दो, राइट लोअर और फिर लेफ्ट लोअर, सही है। ये अपर अपर राइट और लेफ्ट राइट, लेफ्ट अपर राइट, अगर स्ट्रेंथ नॉर्मलाइज है, तो हम +5 लिखेंगे, सही है। इसी तरह लोअर का भी इस तरह देखते हैं, अगर इसमें स्ट्रेंथ बिल्कुल फुल है, तो हम +5 लिखेंगे, कोई डिफॉर्मिटी नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल लोअर लेफ्ट में फ्रैक्चर है, तो हम +5 नहीं लिखेंगे, इस तरह निशान लगाएंगे। फिर रेडियल रेडियल को इस तरह देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये कौन सा है, लेफ्ट है ना, तो इस तरह जैसे मैं हाथ रखता हूँ, मुझे फील हो रहा है, तो +2 हो गया। फिर लेफ्ट का भी देखते हैं इस तरह, तो ये कौन सा है, +1 है। फेमोरल का नहीं देखते हैं, फिर डोर्सोफेडेलस और पोस्टीरियर टेबियल, आगे की तरफ यहाँ पर जैसे पाँव का अगला हिस्सा है, वहाँ पर हम फील करते हैं, जब +1 है, मैंने फील किया, वहाँ पर भी +1 है और पोस्टीरियर टेबियल में भी +1 है। पेशेंट की ये कैपियर रिपेल में इस तरह देखता हूँ, इस तरह प्रेस करता हूँ, तो 1 to 2 seconds है। पेशेंट का स्किन वो स्किन जो है बिल्कुल नॉर्मल है, स्किन टर्गल, तो हम नॉर्मल लिखते हैं। पेशेंट की स्किन कलरेशन जो है पिंक है, मैंने पिंक कर दिया। पेशेंट का टेम्परेचर जो है, बॉडी टेम्परेचर जो है टू टच जो है क्या है, वार्म है, मैंने वार्म कर दिया। पेशेंट का ब्रेटन स्केल आप खुद चल सकते हो, तो चल सकते हैं, तो 23 है। अगर लेस देन 16 और इजिकल टू 16, अगर ये ब्रेडन स्केल है जिसमें 6 कंपोनेंट्स होते हैं, एक्टिविटी है और इसके अलावा सेंसरी है, फ्रिक्शन है, न्यूट्रिशन स्टेटस है, दीज आर सच टाइप ऑफ कंपोनेंट्स विच इज इंक्लूडेड इन द ब्रेडन स्केल। अगर हमारे पास लेस देन 16 इजिकल टू 16 है, तो इसका मतलब पेशेंट में चांसेस ऑफ क्या है, स्किन ब्रेक डाउन है, लेकिन 23 नॉर्मलाइज है, चल सकता है, तो पेशेंट इज नॉट एट रिस्क ऑफ ब्रेक इज नॉट द एट रिस्क ऑफ स्किन ब्रेक डाउन, कोई बेड सोर की चांसेस नहीं है। अगर CBR होगा, तो इसका ब्रेडन स्केल कम आएगा, सही है। पेशेंट का प्रिवेंटिव मेजर हम करते हैं, यस। पेशेंट फैमिली एजुकेशन हम गिवन करते हैं। पेशेंट में स्किन में कोई निशान नहीं है, तो हम इनटेक लिखते हैं, कोई कट का किसी चीज़ का। पेशेंट के जनरलाइज एडिमा नहीं है। पेशेंट का कोई फिटिंग एडिमा अगर फाव में है, तो यस लिखेंगे। फिर राइट फुट लिखते हैं, और फिर इसमें प्लस जितना है इतना लिखेंगे, +1 1 mm, इस तरह हम लिखते हैं +1, सही है। क्या ड्रेनेज बैग, अगर पेशेंट की ड्रेनेज बैग है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लोकेशन है कि ड्रेन कहाँ लगा, अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल एब्डोमेन है, एब्डोमेन में ड्रेन लगा है, तो मैं एब्डोमेन लिखता हूँ, सही है। पेशेंट को टाइप्स ऑफ ड्रेन कौन सा है, एक्टिव ड्रेन है, सही है, तो मैं एक्टिव ड्रेन लिखता हूँ, या रेडी वेग ड्रेन है, तो मैं इस तरह लिखता हूँ, रेडी वेग, जो इसमें वैक्यूम वाला ड्रेन होता है, जो आपने देखा होगा बोतल टाइप होता है, अगर एक्टिव ड्रेन है, तो हम एक्टिव ड्रेन लिखते हैं, इस तरह एक्टिव ड्रेन लिखते हैं। डेट ऑफ इंसर्शन फॉर एग्जांपल 20 है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रेनेज, इसमें क्या आ रहा है, ब्लडी टाइप है, तो ब्लडी लिखते हैं, अगर नहीं है, तो नील लिखते हैं।
कंडीशन, ये ड्रेन जो है बिल्कुल सही लगाए, पाइप वगैरह सब सही लगे, अगर सही लगे तो हम इनटेक लिखते हैं, INTAC, इनटेक। टाइप्स ऑफ वोन, पेशेंट का वोन अगर ओपन है तो ओपन लिखते हैं, क्लोज है तो क्लोज लिखते हैं। मैं फॉर एग्जांपल सर्जिकल है तो सर्जिकल वाला ओपन होता है, तो ओपन होगा तो इसमें कोई स्विचर लगे होते हैं नहीं, नो। फिर फॉर एग्जांपल इसको किनौला जो है राइट आर्म पे लगाए तो मैंने राइट आर्म लिख दिया, 22 गेज का है 22 गेज का लिख दिया। इंसर्शन डेट फॉर एग्जाम्पल 19 है 19 लिख दिया, और कंडीशन क्या लिखते हैं, इनटेक लिखते हैं। अगर निकालते हैं तो फिर क्या, आई प्लस डन यस, अगर रिमूव करते हैं तो यस लिखते हैं, और फिर कंडीशन जब आप निकालते हो तो इसका हाथ सही था या नहीं वो लिखते हैं। फिर इसके बाद पेरिपेरल, दूसरा पेरिपेरल लाइन, अगर दूसरा किनोला नहीं लगाए तो नॉट एप्लीकेबल, CVP वगैरह नहीं लगाए तो मैं नॉट एप्लीकेबल लिखता हूँ, सही है। फॉर एग्जाम्पल CVP लगा हुआ है तो क्या लिखते हैं, राइट नेक लिख लो, सही है, यहाँ पर लगा होता है ना नेक एरिया। इंसर्शन डेट क्या है, 22 है। कंडीशन साइड क्या लिखते हैं, इनटेक लिखते हैं, आई फ्लश यस। रिड्रेस डेट इसका हफ्तावार, वीकली जो है इसका ड्रेसिंग होती है, पट्टी वगैरह चेंज होती है, तो मैं इसका लिखता हूँ 24, सही है। बाद पेशेंट जो है खुद नहीं नहा सकते, नर्स वगैरह इसको नहलाते तो क्या लिखते हैं, असिस्टेंट लिखते हैं। और इसके लिए क्या करते हैं, जब बेड पे होते हैं तो स्पंज ही होते हैं ना, स्पंज होगा। शैम्पूइंग डन नो, आई नेल केयर यस, माउथ केयर करा दिया यस, बैक केयर हुआ यस, कैथेटर पे हैं तो हम लिखते हैं कैथेटर केयर डन लिखते हैं। NG वगैरह अगर है तो इसका केयर, NG लगा हुआ है तो यस केयर डन। ट्रेकियोस्टोमी नहीं लगाए तो नो, नॉट एप्लीकेबल लिखते हैं। पेशेंट जो है खुद CBR है तो हम CBR लिखते हैं, कंप्लीट बेड रेस्ट, सही है। अगर खुद चल सकते अप एंड अबाउट, अगर असिस्टेंट के साथ चलते तो एक्टिविटी एज टॉलरेटेड लिखेंगे, सही है। पेशेंट जो है खुद करवट ले सकते नहीं है तो हम क्या लिखते हैं, Q2 आर्ली, सही है। तो इसमें वो फिर लिखते हैं, पेशेंट का बेड साइड जो है 32-40 डिग्री सेंटीग्रेड लिखते हैं। पेशेंट जो है एक्टिव और PCO एक्सरसाइज दोनों करते हैं, फिजियोथेरापी एप्लीकेबल है यस, स्पायरोमेट्री यूज़ होगा ना, CBR पेशेंट में ज़्यादातर स्पायरोमेट्री यूज़ होते हैं, मैंने स्पायरोमेट्री लिख दिया। पेशेंट जो है डायबिटिक है और हाइपरटेंसिव हो तो क्या लिखेंगे, लो NA और लो DM रेगुलर लिखेंगे, सही है। अगर नहीं है तो सिर्फ रेगुलर राइट लिखेंगे। पेशेंट रिस्क ऑफ फॉल है यस, प्रिवेंटिव मेजर टेकन यस, फैमिली एजुकेशन गिवन यस, पेशेंट जो है राउंड डन, अगर हुआ है तो यस लिखते, नहीं है तो नो, सही है। और अपना इनिशियल लिखेंगे, सही है।